हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो दिस इज़ अरुसा साई आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे आज कास्ट की ठीक है जी तो कास्ट सिस्टम हमें पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है वो हमने मैंने आपको बताया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है डिविजन होता है सॉरी <coughs> जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है इट इज़ द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में लोगों को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुपीरियरिटी एंड इनपीरियोरिटी ठीक है कुछ लोगों को कंसिडर करते हैं सुपीरियर कुछ लोगों को जो है कंसिडर किया जाता है सुपीरियर यानी उनको हाई प्रेस्टीज हाई पावर होता है उनका उनको जो है रेस्पेक्ट दिया जाता है रिवॉर्ड दिए जाते हैं ठीक है और कुछ लोगों को इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है ठीक है तो ये जो डिविजन होता है सोसाइटी का ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में में डिफरेंट इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको पढ़ाया ठीक है तो फिर हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कुछ डिफिनेशन भी देखी तो साथ ही साथ हमने देखा था कल के कास्ट क्या होता है ठीक है जी कास्ट क्या होता है इट इज अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज इन इंडिया यानी इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम होता है मतलब बहुत सारे टाइप सोशल तो स्पेशल टाइप जो है ये कास्ट है ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग जो है इसके बहुत सारी जगहों पर हम लोग देखेंगे कास्ट है ठीक है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ठीक है अगर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट डे मसाई ठीक है एक जगह है ठीक है पॉलिनेशिया में या फिर बर्मीज में अमेरिकन में भी ये पाया जाता है कास्ट सिस्टम लेकिन मोस्ट परफेक्ट जो है परफेक्ट जो एग्जाम्पल है इसकी वो है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता था ठीक है तो यहाँ पर एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाता है सोशली ऑर्गेनाइज किया जाता है हिंदू सोसाइटी में लोगों को जो है सोशली ऑर्गेनाइज मैंने आपको बोला का सिस्टम जो होता है इसमें जो है ये जो है वेदाज में ठीक है वेदाज जो है जो कि स्क्रिप्चर्स है हिंदू का स्क्रिप्चर है हिंदू की जो बुक्स थी तो उसमें एक रिग वेदा था ठीक है उसमें एक जो है एक पार्ट था उसका पुरुषा ठीक तो उसमें क्या लिखा था कि जो चार कास्ट होते हैं ठीक है तो कास्ट जो है उसका जो एविडेंस है उसका जो है अच्छे से मैंशन किया गया है हिंदू के स में ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो पहला वाला है जो अपर कास्ट है वो होता है ब्राह्मण्स का ठीक है नेक्स्ट जो होता है वो शत्र फिर होते हैं वैश्याज और लास्ट वाला होता है शूद्रास ठीक है तो ये जो चार कास्ट से एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ठीक है तो ये जो है इनका कहाँ पर है इंस्टेंस इनका जो एविडेंस कहाँ पर हम लोगों को मिलता है इसका सबूत हम लोगों को मिलता है कहाँ पर हिंदूज की जो बुक होती है रिग्वेदा उसमें ठीक है तो ये जो बहमंस है क्षत्रिया है वैश्यास है और शूद्रास है ये चार कास्ट है ठीक है तो ये प्रिवलेंट है इंडिया में ठीक है इसको अबोलिश भी किया गया है अब लेकिन इनको जो है डिफरेंट जो है पोजिशन दी जाती है डिफरेंट इन लोगों को जो है प्रेस्टिज पावर्स दिए जाते हैं तो उस बुक में क्या लिखा है ये कि जो ब्राह्मण है ब्राह्मण जो है वो निकला है जो उनका लॉर्ड है ना उनका गॉड होता है उसके हेड से ठीक है उसके जो माउथ या हेड हम लोग बोल सकते हैं वहां से जो है ब्राह्मण्स निकले हैं उसके बाद क्षत्रियाज आम से निकले हैं वैश्यास था से निकले हैं और जो शूद्रास है वो फीट से निकले हैं ठीक है तो उस हिसाब से इन लोगों को प्रोफेशन इनका ऑक्यूपेशन भी इनका जो काम है उसी हिसाब से होता ठीक है जी तो जो अगर हम लोग देखेंगे जो हैड से ठीक है निकले हैं तो वहां पर जो मतलब अगर हम लोग देखेंगे माउथ या हेड हम लोग देखेंगे हेड की जो होती है टॉप पोजीशन होती है बॉडी में इसी तरीके से ब्राह्मन की जो है कास्ट सिस्टम है सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है सबसे अपर कास्ट इनको माना जाता है और इनका काम जो है वो वही है जो माउथ फॉर एग्जांपल करता है जैसे कि टीचर्स है ये प्रीस्ट है ये ओके तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो हेड से निकले हैं ठीक है माउथ से तो माउथ से अगर हम लोग देखेंगे प्रीस्ट वगैरह जो हैं उनका काम जो है टीचर्स का बोलना होता है वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं गुरुज वगैरह जो होते हैं प्रीस्ट होते हैं जो कि मतलब जो है बड़े बड़े रिचुअल जो होते हैं फंक्शन जो होते हैं सेरेमनीज होती है इनके हिंदूज के उसमें वो पढ़ते थे ठीक है तो ब्रह्मस का काम था वो प्रीस्टली फंक्शन उनकी टॉप मोस्ट पोजीशन थी सबसे ऊंची पोजीशन थी उसके बाद अगर हम लोग देखें आर्म्स से जो है जो क्षत्रियाज निकले थे तो अगर हम लोग देखेंगे जो आर्म्स जो होता है आर्म्स जो होते हैं हमारे बाजू जो होते हैं बाजू से लड़ते हैं है ना मतलब जो है बाजू से बहुत सारे काम करते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लड़ते हैं तो इसीलिए जो वॉर्स वगैरह में लड़ते थे स्वर्ड उठाते थे ठीक है तो थी। वो क्षत्रियाज फाइटर्स होते थे ठीक है जो वॉरियर्स वियर वॉरियर्स होते थे जो लड़ाई करते थे जंग में ठीक है तो वॉरियर्स वगैरह ओके नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वेशा वेशा जो थाइस से जो है ट्रेड्समैन होते थे बिजनेस तबके से जो बिलोंग करते थे ठीक है लास्ट जो है फीट उसकी आप देखेंगे कि फूट जो है वो बॉडी में ह्यूमन बॉडी में सबसे निचला होता है तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे इंडियन कास्ट सिस्टम में जो सबसे नीचे पोजीशन पर है सबसे कम पोजीशन पर है वो होता है शूदराज ठीक है वो जो है वो फीट से निकले हैं तो फीड से मतलब जो है बहुत सारा मैनुअल लेबर वो लो करते थे चाहे स्वीपर्स चाहे टॉयलेट्स को साफ करते थे बहुत ही बेचारों का काम पोजीशन था उन लोगों को जो है बहुत ही मतलब एक्सप्लॉयट किया जाता था उन लोगों से जो है क्या उनको मस्जिद सॉरी जो होली पब्लिक प्लेसेस होती थी होली प्लेसेस मंदिर मस्जिद उनमें आने तक नहीं देते थे ठीक है दे वर कंसिडर्ड वेरी 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 इन्फीरियर ठीक है तो ये भी है ना स्ट्रेटिफिकेशन ये भी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है चार कास्ट में ओके तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये प्रिवलेंट था इंडिया में तो इसीलिए अगर हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कास्ट सिस्टम जो कि इंडिया में है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग परफेक्ट देखेंगे जो इंस्टेंस है वो इंडिया में पाया जाता है अदरवाइज कास्ट जो है हम लोग डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स में भी हम लोग देखेंगे अमेरिकन में बर्मीज में पॉलिनेशिया वगैरह में ठीक है ओके जी तो आज जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि ऑरिजिन भी मैंने बोला कास्ट का कहाँ से निकला है वो हमने कल पढ़ा इस वर्ड का ऑरिजिन कहाँ से निकला है ठीक है तो अब जो है आज हम लोग बोलेंगे कुछ डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी फर्स्ट इज रिस्ले ठीक है तो हर्बर्ट रिस्ले ने क्या बताया है इसने बताया है कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज यानी बहुत सारी जो फैमिलीज हैं या फैमिलीज के जो ग्रुप्स हैं ठीक है बहुत सारी फैमिलीज़ हैं या फैमिलीज जो हैं ग्रुप्स हैं वो क्या होती हैं उनका अगर कलेक्शन हम लोग देखेंगे जिनका कॉमन नेम होता है ठीक है नाम जो होता है उन फैमिलीज का वो सेम होता है सब का ठीक है इनका कॉमन डिसेंट होता है ठीक है वो लोग जो है उनकी लीनेज यानी मतलब जो होते हैं उनकी हेरिडिटी अगर हम लोग देखेंगे उनके फ़ादर उनके मतलब एक ही जो है उनका फोर फादर होता है ठीक है उनके जो जद होते हैं अजदाद होते हैं उनके जो एनसिस्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं मिथिकल एनसस्टर ठीक है मिथ के हिसाब बोलते हैं नहीं जी हमारा जो जद है हमारा जो मतलब फ़ोर uh, फादर है वो सेम है ठीक है जिससे हम लोग जने हैं हमारे पापा के पापा के पापा वॉट ठीक है तो अगर वो चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई डिवाइन पावर हो ठीक है और वो प्रोफेस करते थे वो लोग बोलते थे कि हमारी जो हेरिडिटी कॉलिंग भी है हेरिडिटी हमारी सेम है ठीक है मतलब जो है एक ही लीनेज है एक ही डिसेंट है उनका और अगर हम लोग देखेंगे वो लोग जो ओपिनियन दे सकते हैं वो उनको मानते हैं एज अ सिंगल कम्युनिटी कम्युनिटी क्या मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक ही टेरिटरी को बिलोंग करते हैं उनमें वी फीलिंग होती है आपस में बहुत ज्यादा इतफाक होता है प्यार होता है ठीक है और एक दूसरे के लिए हमेशा वेलफेयर जो है सोचते हैं ठीक है थीके? तो हम लोग देखा था हम लोगों ने क्या कम्युनिटी तो यहाँ पर उनको बोला जाता है होमोजिनस कम्युनिटी होमोजिनस क्या होता है होमोजिन जो होते हैं सब लोग जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ठीक है सेम प्रोफेशन से सेम ऑक्यूपेशन से या सेम जो है किसी न किसी टाइप में वो होते हैं ठीक है तो कॉमन कलेक्शन जब हम लोग देखें कलेक्शन ऑफ फैमिलीज ये आप लोग याद रखेंगे फैमिली है ना ली में आता है एल uh, आता है ना फैमिली में और रिसले में भी आता है ली ठीक है एल ई और यहाँ पर भी एल आई ठीक है तो ये यहां से आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है याद कि रिसले ने कौन सी डेफिनेशन दी है ओके okay. नेक्स्ट नेक्स्ट इज लंडबर्ग लंडबर्ग ने क्या बताया इसने बोला इट इज मेयरली अ रिजिड सोशल क्लास यानी इसने बोला ही एक क्लास है सोशल सोसाइटी को डिवाइड किया गया होता है डिफरेंट क्लासेस में ये एक क्लास है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिजिड है यानी इसके जो रूल्स हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है स्ट्रिक्ट रूल्स है जिसमें मेंबर्स पैदा होते हैं ठीक है उस सोशल क्लास में मेंबर्स पैदा होते हैं और जहाँ से वो निकल नहीं सकते हैं ठीक है वो विड्रॉ अगर करना भी चाहते बहुत ही मुश्किल हो जाती है उनको उस कास्ट से बाहर निकलना जिसमें वो पैदा होते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे अब रिजिट किस तरीके से ठीक है मतलब इसमें जो है सख्त है किन तरीक़ों में दो तरीक़ों में ये सख्त है पहला अगर हम लोग देखेंगे मोबिलिटी यानी इसमें कोई चांस नहीं है आपको कल मैंने आपको पता था मोबिलिटी जो होता है मतलब मूवमेंट होती है एक स्टेटस so, से दूसरे स्टेटस तक या एक पोजीशन से दूसरी इसमें कोई चांस ही नहीं है चाहे आप कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लो बट इट इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट इट इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर कास्ट ठीक है उसके बाद हो गया डिस्टिंक्टनेस डिस्टिंक्टनेस ऑफ़ ऑफ स्टेटस ठीक है और जो होता है अगर हम लोग देखेंगे स्टेटस में भी आपको डिफरेंस नहीं आ सकता है ठीक है तो ये जो है मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड है तो इसने जो है लंड बर्ग बर्ग आप देखेंगे कितना स्ट्रेस पड़ता है बर्ग पे ठीक है लंड बर्ग तो आप ये याद रख सकते हैं रिजिड या यहाँ पर भी है आर जी लंड बर्ग के एंड में है ना एल यू एन डी बी ई आर जी तो यहाँ पर भी है आर आर जी ठीक है आर आई जी तो इससे भी आप ये याद रख सकते हो रिग यहाँ पर भी रेग यहाँ पर भी इस तरीके से फैमिली रिसली ठीक है तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कुछ ट्रिक्स मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कुछ स्टूडेंट्स का इवन मतलब मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो भी मतलब क्योंकि ऐसे थोड़ा डटा लगता है हमें याद रखना लेकिन ये जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट सेम ही होती है इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इसीलिए आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इनको याद रख सकते हैं ओके नेक्स्ट वन इज़ ई एच ब्लंट ठीक है तो इन्होंने क्या बताया है इन्होंने बोला है कि इट इज़ अ एंडस और अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ठीक है यानी ये ग्रुप है endogamous क्या मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो हैं अगर जो है एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट के साथ जो है फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट या दूसरा कास्ट ये जो है अपने बेटे को बेटे की शादी नहीं करेगा इनकी बेटी से या अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से नहीं करेगा ठीक है आपस में ये लोग रिलेशन नहीं करते लेकिन मतलब कास्ट के अंदर जो लोग होते हैं ना वो आपस में ही सॉरी रिलेशन मतलब जो है आपस में करते हैं लेकिन दूसरे कास्ट के लोगों के साथ ये रिलेशंस नहीं रखते शादी नहीं करते तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एंडो यानी इंटरनल एंडो मींस अंदर अपने कास्ट के अंडर ही ये शादी करते हैं ठीक है या मतलब ये ग्रुप है या फिर एंडोग्रामस ग्रुप्स की कलेक्शन है ठीक है इसमें भी सेम है मतलब इन लोगों का जो है नेम कॉमन है हेरिडिटी है और अगर हम लोग देखेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है लेकिन इनमें सोशल इंटरकोर्स के मामले में यानी इंटरकोर्स होता है मतलब बातचीत जो है इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे के साथ इस मामले में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यानी एक कास्ट का जो है दूसरे कास्ट से दूर ही रहता है सोशली डिस्टेंस मेंटेन करता है ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करता आपस में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा प्यार है बहुत ज़्यादा अफेक्शन है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स बनती है लेकिन दूसरे कास्ट के लोगों के साथ ना तो ज्यादा मैरिज करते हैं और ना ही ये लोग ज्यादातर बात करते हैं ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे या तो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है मतलब जो इनके पेरेंट्स करते थे वही इन लोगों को करना होता है या क्लेम करते हैं कि हमारा जो ऑरिजिन है वो सेम है और इनको सिंगल होमोजिनस कम्युनिटी फिर से याद रखेगा किसने बोला था रिसले ने और ब्लंट ने ये आप लोग याद रखेंगे रिसले और ब्लंट दोनों जो है वो मतलब कॉमन नेम का रखा है इनका बहुत सारा मिलता है कॉमन नेम कॉमन नेम डिसेंट भी इन्होंने पता हेरिडिटी भी बोला था दोनों ने और इन्होंने दोनों ने क्या बताया था सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी ठीक है सिंगल सिंगल ल ल ठीक है ब्लंट में भी एल रिस्ले में भी एल ब्लंट में भी एल ठीक है सिंगल में भी सिंगल ठीक है तो इससे आप ये याद रख सकते हैं ओके नेक्स्ट इज सी एच कोले ठीक है तो इन्होंने क्या बताया इन्होंने बोला है वेन ए क्लास इज हेरिडिटी यानी जब एक क्लास क्लास क्या होता है ग्रुप जो होता है लोगों का डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया जाता है उनके अगर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के हिसाब से उनके पैसों के हिसाब से ये डिफरेंट क्लासेस होते हैं ठीक है थीके? जब वो क्लास स्ट्रिक्टली हेरिडिटी होगा यानी आपका फादर जो होगा वही आपकी होंगे ठीक है आपके ग्रैंडफादर जो होंगे वही काम आपको भी करना उतने पैसे मतलब वही जो है ऑक्यूपेशन आपका भी फाइनेंशियल कंडीशन आपके भी वही सेम होंगे इकोनॉमिक आपका डोमेन हर एक जो है ऑलमोस्ट सेम ही होगा ठीक है यानी हेरिडिटी के हिसाब से अब जब क्लास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ठीक है class, ओके

ने रिलेट किसके साथ किया कास्ट को क्लास तो लेकिन फ़र्क यही है कि कोले ने बोला है जब क्लास जो होता है जब ये हेरिडिटी होता है यानी हेरिडिटिकली आपकी जो क्लास होती है वो आगे चलती है आपके फादर ग्रैंड उसके बाद आपके फादर आप आपका बच्चा ठीक है इस तरीके से जो है स्ट्रिक्टली हेरिडिटी होती है इसमें ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट ठीक है इसी तरीके से इसने भी क्लास बोला है लेकिन इसने क्या बताया है कि जब आपको कोई होप नहीं होती है कि आप जो है अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं प्रीडिटर्मेंट ऑलरेडी जहाँ पर आप पैदा हुए होते हैं वही आपका कास्ट रहता है आपका स्टेटस वही सेम रहता है आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते तब क्लास क्या बन जाता है कास्ट बन जाता है ठीक है तो कूले और मैकेबर का बहुत ज़्यादा ये मिलता है ओके नेक्स्ट इज हेनरी मैने ठीक है मैंने मैं ने, मैंने क्या बोला है मैंने बोला है कि एज uh, natural, ठीक है मैंने आप बोल सकते हो मैं ने उर्दू में बोलते हैं ना मैंने ठीक है मैंने ये किया आई डिड दिस ठीक है तो मैंने इससे आप याद रख सकते हो नेचुरल ठीक है नेचुरली आप बोलोगे मैंने या, मतलब ये नहीं ऐसा नहीं है मतलब आप ये याद रख सकते हो उसको मैंने और नेचुरल तो नेचुरल कैसे बोला इसने बोला है कि कास्ट स्टार्ट होता है एज डिविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल क्लासेस यानी जो होते हैं ऑक्यूपेशन जो होता है काम जो होता है डिफरेंट ऑक्यूपेश डिफरेंट लोगों को काम होता है डिफरेंट क्लासेस को वहाँ से वो स्टार्ट होता है और उसके बाद जो होता है नेचुरली वहाँ से स्टार्ट होता है उसके बाद वो कहाँ पर पहुँच जाता है वो पहुँच जाता है कि रिलीजियस सेंकशन मिल जाता है क्योंकि आपको मैंने बोला कि बुक्स में भी जो है हिंदू की बुक्स में भी बुक्स जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है कास्ट के बारे में उसके बाद जो है कास्ट सिस्टम में वो आ जाता है ठीक है कास्ट सिस्टम तब वजूद में आता है जब ये रिलीजियस डोगमा का एक पार्ट बन जाता है जो कि मतलब जो है रिलीजियस ठीक है ना रिलीजियसली है ना मतलब ये जो अगर ये रिलीजियस बुक में लिखा है यानी ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ठीक है जो लोगों को सुपीरियर और इन्फीरियर यानी ऊंचे और नीचे तबके के, के लोगों में उसको डिवाइड करता है उनकी डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग डिफरेंट होते हैं मैंने आप ये ऐसे भी याद रख स मैने और नेचुरल और साथ ही साथ आप देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ने हेनरी हैं, हैं, मैने ने किस पर दी है इसने रिलीजन पर दी है क्योंकि आप मैंने ऑलरेडी बोला कि रिगवेदा में

ये बोलता है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला ये कि जो मेंबरशिप होती है उन्ही मेंबर्स को होती है ठीक है उन्ही लोगों को जो है इसमें रखा जाता है उन्हीं की मेंबरशिप होती है वही लोग इसमें के, के जो मेंबर्स बन सकते हैं जो कौन होता है जो उनके मेंबर्स के पैदा हुए होते हैं यानि बर्थ उन्होंने उसी में उसी ग्रुप में लिया होना चाहिए ठीक है बच्चे होते हैं उसके और उसके बाद जो पैदा होते हैं ना मतलब अगर हम लोग देखेंगे बॉर्न मेंबर्स यानी वो लोग जो पैदा हुए होते हैं किसी कास्ट में ठीक है मेंबरशिप इज़ कन्फाइंड उन्हीं तक ये सीमित होती है मेंबरशिप उन्हीं को मिलेगी जो उस ग्रुप में पैदा हुए होते तो हैं जो उस कास्ट में पैदा हुए होते हैं और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है ये मेंबरशिप इज़ पॉर्बिडन यानी मेंबरशिप को जो है मतलब उसको रोक दिया जाता है बैन लॉ ठीक है मतलब जो है दूसरे लोग जो है आउटसाइडर जो है सोशल लॉ होता है एक जिसकी वजह से जो ग्रुप के बाहर के लोग उसमें मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकें किसी कास्ट यानी पहला इसने बोला है कि कास्ट जो है तब आपको कास्ट का मेंबर आप तब बनेंगे अगर आप इसी में पैदा हो जाएं फॉर एग्जाम्पल आपके फादर है मदर है इसी कास्ट के हैं तो आप इनसे पैदा हो गए तो यहाँ पर आपको इसकी मेम्बरशिप मिल गई और जो आउटसाइड ग्रुप का कोई मेबर होगा उसको कोई मेम्बर वो उसको जो है मेंबरशिप नहीं मिलेगी वो जो है इस कास्ट का मैंबर कभी नहीं बन सकता है ठीक है उसको रोक

ठीक है ना लंबा नाम है मार्टिन डेल मोनोचेरी तो आप बोलेंगे एग्रीगेट है ये ठीक है मतलब जो है कलेक्शन है तो इसने क्या बोला है ये आप मैं बोल रही हूँ याद रखने के लिए अदरवाइज ये ऐसा नहीं है ठीक है तो इसने बोला है कि ये एक एग्रीगेट है लोगों का ठीक है जिनके जो ऑब्लीगेशन होते हैं ठीक है थीके? जिनके प्रिवलेजेस होते हैं यानी उनके फ़र्ज होते हैं और उन लोगों को जो हकूक मिलते हैं फ़राइज उनके हकूक जो उनकी ड्यूटीज़ होती है जो उन लोगों को हक मिलते हैं वो फिक्स होते हैं मतलब क्या वो फिक्सड होते हैं फिक्सड किससे वो होते हैं सेंक्शनड होते हैं फिक्सड होते हैं बर्थ से यानी पैदा होते ही आपको वो ऑब्लीगेशन मिलेंगे शेयर अपना मिलेगा आपको प्रिवलेजेस मिलेंगे हक मतलब आपके फराइज ड्यूटीज ऑब्लीगेशन जो आपके राइट्स हैं आपको मिलेंगे मतलब जो फिक्स होते हैं बर्थ से और उसके बाद सेंक्शन उनको कौन करेगा उनको कौन सपोर्ट करेगा आपका रिलीजन और यूज ठीक है तो फिक्सड पर इसने ध्यान दिया है ठीक है ओके नेक्स्ट इज ई ए गेट गेट ने क्या बोला है फिर से एंडोगेमस ग्रुप गेट है ठीक है गेट क्या होता है गेट हो गया दरवाजा ये क्या करता है बंद करता है लोगों को अंदर के लोग जो है बाहर नहीं आ सकते इसी तरीके से आप बोलोगे एंडो है एंडोगेमस यानी अंदर के जो लोग हैं वो बाहर शादी नहीं कर सकते हैं ग्रुप के अंदर तो ऐसे आप ये याद रख सकते हो एंडोगेमस ग्रुप है ठीक है जी या कलेक्शन है कुछ ग्रुप्स का ठीक है जिनका कॉमन नेम है कॉमन ऑक्यूपेशन है ठीक है डिसेंट है सेम और कॉमनली हम लोग इनको सिंगल होमोजेनस कम्युनिटी बोल सकते हैं ये आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन बिल्कुल रिसले के जैसी है ठीक है लेकिन यही फर्क है इसने एंड ग्रुप बोला है उसने नहीं बताया है अदरवाइज कॉमन नेम उसने भी बताया है ऑक्यूपेशन का उसने नहीं नाम लिया है लेकिन इसने जो है अच्छे से बताया और साथ ही साथ जो सिंगल होमोजेनस यही इसने बताया है बतायान का सेम है लेकिन एंडोगेमस थोड़ा इसका डिफरेंट है ये आप ऐसे याद रखोगे मैंने बोला गेट्स से एंडोगेमस अदरवाइज पूरी रिसले के डेफिनेशन के साथ ही मिलता है जो पहला ही हम लोगों ने बोला था जिसने फैमिलीज़ ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बोला था ओके जी नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स ग्रीन ए ग्रीन इन्होंने क्या बोला ये सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ये मतलब ईजी ग्रीन है सब्जार है हर जगह ठीक है सब 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 कुछ ठीक है सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है जहां पर मोबिलिटी ठीक है जहां पर मोबिलिटी यानी मोमेंट जो होती है अप एंड डाउन स्टेटस के मतलब जो अगर हम लोग देखेंगे लेडर जो होती है ना मतलब जो सीढ़ी होती है ना स्टेटस को चढ़ने के लिए स्टेटस पे उतरने क्योंकि सीढ़ी से हम लोग चढ़ते भी है और उतरते भी है ये जो स्टेटस का लेडर होता है ना ठीक है जहां पर मोबिलिटी अप एंड डाउन द स्टेटस अगर हम लोग देखिए आइडियली हो ही नहीं सकती है यानी इसमें जो है मूवमेंट हो ही नहीं सकती है यानी आप लोग ग्रीनरी में निकल ही नहीं सकते हैं यानी आपका स्टेटस ना तो ऊपर जा सकता है ना तो नीचे जहां पर आप पैदा हुए उधर ही फंस जाता है ठीक है तो अगर हम लोग बोलेंगे ग्रीनरी में आप निकल ही नहीं सकते हो ये आप ग्रीन से याद रख सकते हैं मोबिलिटी और ग्रीन आप ये याद रख सकते हैं ओके नेक्स्ट इज एंडरसन एंड पार्कर इसने क्या बोला कास्ट इज दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लास में ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों को क्लासेस में जिसमें पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्टेटस इज बाय जिसमें मतलब कैसे होता है लोगों की जो पोजिशन है स्टेटस में स्टेटस की हरारकी में मतलब स्टेटस के ऑर्डर डिफरेंट डिवीजन में उसकी पोजिशन कैसे मतलब पता चल जाती है एक इंसान को वो कैसे डिटरमाइन होती है डिसेंट और बर्थ दो चीजें इसने बोला है एंडरसन एंड पार्कर दो है तो इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं दो ने मतलब ये इन्होंने सेम डेफिनेशन दी आप ये याद रख सकते हैं ऐसे कि एंडरसन है और पार्कर है इन्होंने बोला है डिसेंट और बर्थ ठीक है डिसेंट और बर्थ यानी आपका डिसेंट क्या है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके फादर आपका फोर्थ फादर कौन है उससे और बर्थ आप कहाँ पर पैदा हुए हो यानी ये डिसेंट और बर्थ जो है डी डी आप इनको याद रख सकते हो एक्सट्रीम फॉर्म इसने बोला है सोशल क्लास ऑर्गेनाइज होता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे विलियम्स है ठीक है जी विलियम्स बोलता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक इंडिविजुअल की रैंक और उसके जो राइट्स उसके ऑब्लिगेशंस यानी उसके हक उसके फराइज़ राइट्स ड्यूटीज मतलब उसको क्या करना है उसको क्या मिलेगा उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा उसको क्या हुकूक दिए जाएंगे ठीक है एक इंडिविजुअल की रैंक उसके राइट्स उसके ऑब्लिगेशंस वो एस्क्राइब होती है पहले से ही उसको मिलती है किस पे ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ जिस ग्रुप में वो पर्टिकुलर ग्रुप में वो मतलब ये होता है यानी विलियम्स ए है ना यहां पर ए पर हाँ, एसक्राइब का भी आप बोल सकते हो ए है ए और ए से आप याद रख सकते हो इससे बोला है इंसान की जो रैंक है उसके प्रिविलेजेस उसके राइट्स उसके हकूक ये सब उसको बर्थ से ही पहले ही मिल जाते हैं ओके तो ये किसकी डेफिनेशन थी ये थी विलियम्स की डेफिनेशन अब आप लोग बोलोगे जी मैम आपने हमें इतनी सारी डेफिनेशंस बोली इतनी हमें याद थोड़ी ना रहेंगी तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बेटा आपको एग्ज़ाम में कोई भी डेफिनेशन आ सकती है ठीक है ये ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम मैं आपको कुछ मतलब आपकी आसानी के लिए चलो आप बोलोगे मैम आप मुझे आप हमें बस पाँच छः करवाइए हमें अच्छे से वो याद रहेंगी लेकिन एग्जाम में तो कोई भी डेफिनेशन आ सकती है ना मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डेफिनेशन आप करो वही आपको याद आएंगे तो अगर हम लोग देखेंगे इसके साथ जो है नेक्स्ट मैंने आपको बोला किसका इसका सीनाट ने क्या बोला है इसने बोला है कि सोसाइटी को कास्ट वो होता है जहां पर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है सेल्फ कंटेन यानी वो जो ग्रुप्स होते हैं या अगर हम लोग देखें यूनिट्स में ठीक है कम्पलीटली सेग्रीगेटेड एक दूसरे से अलग सेग्रीगेट किए हुए ग्रुप्स में ठीक है सेल्फ कंटेनड एंड सेग्रीगेटेड आप ये याद रखेंगे है है एस 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 सेल्फ सेल्फ ठीक सेग्रीगेटेड ठीक है मतलब अलग अलग रहने वाले सेल्फ आपस में मतलब खुद में खुद मुख्तार खुद हैं वो सफिशेंट है, है वो खुद के लिए ठीक है तो उसने बोला है ग्रुप्स में डिवाइड uh, किया गया है म्यूचुअल रिलेशन के बीच में क्या होता है स्केल के हिसाब से ग्रेड किया जाता है उनको डिफरेंट स्केल में ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जीएस कूरे कूरे ने सिक्स मेन फीचर्स बताए हैं ठीक है कास्ट सिस्टम के उसने बोला है क्या क्या उसने बताया है सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी ठीक है यानी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स में ठीक है हर ऑफ ग्रुप्स ग्रुप जो होते हैं डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं हर आरकी होते ऊंचा उससे नीचा उससे नीचा उससे नीचा ठीक है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स यानी खाने पीने में फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ना जो शूद्रा होता है बेचारा वो नहीं खा सकता है ब्राह्मण के घर में हाँ ठीक है नहीं सॉरी हाँ और जो ब्राह्मण भी है वो नहीं खाते हैं नीचे तबके के लोगों में मतलब इनमें जो होते हैं फीडिंग में भी और सोशल इंटरकोर्स आपस में बातचीत में भी इनमें रेस्ट्रिक्शन बहुत सारा ज्यादा जो होती है इनको प्रोहबिशन लोगों को रुकावटें होती है एक कास्ट को दूसरे कास्ट के साथ और दूसरा क्या है इसने बोला है सिविल एंड रिलीजियस डिस्टेबिलिटीज़ यानी जो होते हैं सिविल भी पब्लिक प्लेस में ये बेचारे नहीं जा सकते लो तबके के लोग ठीक है इनमें आपस में और रिलीजियस रिलीजियस भी सैक्शन वगैरह रिचुअल्स वगैरह जो है खाली अपर कास्ट के लोग कर सकते लो कास्ट नहीं कर सकते और प्रिविलेज ऑफ द डिफरेंट से डिफरेंट सेक्शन के फिर विलिजिस वगैरह अगर हम लोग देखेंगे और लैक ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर ऑफ ऑक्युपेशन यानी जो होता है उनकी जो ऑक्यूपेशन है उसमें उन लोगों को चॉइस ही नहीं होती है ठीक है कि वो कोई और ऑक्यूपेशन को चूज़ करे और मैरिज में भी उन लोगों को होता है रेस्ट्रिक्शन यानी एंडोगेमी एक फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का वो इसने ही बताया है जो हम लोग इसीलिए उसको बोलेंगे क्योंकि एंडोगेमी क्यों है क्योंकि वो लोग एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट के साथ, के साथ बात नहीं करें यानी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ डिवाइड होते हैं हायर होती है ग्रुप्स की ठीक है ऑक्यूपेशन दूसरा चूज़ नहीं कर सकते सिविल रिलीजियस डिसबिलिटीज बहुत सारे होते हैं और जो होते हैं डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ये इन्होंने बोला है और भी इन्होंने गोरे ने जो छह मेन फीचर्स आप ये याद रखेंगे ठीक है ओके नेक्स्ट इस हटन हटन ने तीन जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए हैं ठीक है ठीक है ने क्या बताया है? तीन टाइप्स टाइप फंक्शन कास्ट सिस्टम के इसने बताए हैं ठीक है 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 वो क्या इसने बताया है? इसने बताया बताया फॉर इंडिविजुअल बताएं एक तो हो गया कि इंडिविजुअल के लिए क्या फंक्शन है मतलब जो इलादा इंसान जो होते हैं अलग अलग उनके लिए क्या फंक्शन है कम्युनिटी के लिए क्या फंक्शन कम्युनिटी के लिए क्या काम करते हैं और सोसाइटी के लिए तीन इंडिविजुअल मेम्बर्स के लिए क्या फंक्शन है कम्युनिटी के लिए अपने जो उनकी कम्युनिटी होती है जहां वो लोग रहते हैं जो उनका समाज जो है सोसाइटी उनके लिए क्या फंक्शन विजुअल कम्युनिटी सोसाइटी तीन टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है हटन ने बोले हैं नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं वो होता है कार्ल मार्क्स ठीक है तो उसने क्या बताया इसने कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था तो इसने बोला है कि कास्ट सिस्टम जो है डिवीजन ऑफ लेबर और मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है ठीक है तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि मतलब जो है कोई काम होता है उसके डिफरेंट शेयर किया जाता है उस काम को डिफरेंट शेयर्स में डिवाइड किया जाता है और एक एक को एक एक काम दिया जाता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है कि किस तरीके से आप जो है प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्री में कैसे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो यानी इसने कैपिटलिज्म पर ही का इसने बोला है कि एशियाटिक अगर हम लोग एशिया में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो किस पर बेस्ड है कास्ट सिस्टम पर यानी मोड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है यानी डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट काम करते हैं ब्राह्मण्स का डिफरेंट काम है शत्रियाज का डिफरेंट काम है वैश्यास का डिफरेंट है और शूदराज का डिफरेंट काम है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बो, बोगले है मैक्स वेबर है एच जी एस मैन मजुमदार ठीक है बोगले का आप सिंपली आप याद रख सकते हैं कि बोगले ने क्या बताया है कि इसने बोला है तीन टाइप्स में ठीक है इसने बोला है हेरिडिटी स्पेशलाइजेशन होती है यानी हेरिडिटी के हिसाब से आप काम करते हैं आपकी स्पेशलाइजेशन वही होती है प्लस हैरार होती है यानी जो आपका फादर होता है उसके बाद उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल रिपल्शन एक दूसरे के साथ इन लोगों को क्या होता है दूर डिस्टेंस होती है एक कास्ट को दूसरे के साथ ठीक फिर हो गया वेबर वेबर ने बोला है कि हिंदुइज्म का ये वर्ल्डली मतलब जो दुनियाई डॉक्ट्राइंस है दुनियाई जो हम लोग पढ़ते हैं या दुन, दुनियाई जो चीजें होती हैं दूसरे दुनिया के बारे में जो होते हैं डॉक्टर जो हिंदुज़म के होते हैं इकोनॉमिक डिफरेंस की इसने बात की है पोलिटिकल डिस्टिंगशन की इसने बात की है प्रेस्टिज की बात करती है डिफरेंट कास्टस जो होते हैं वही डिफरेंट स्टेटस ग्रुप होते हैं पोलिटिकल कैसा पावर है लोगों का पार्टीज डिफरेंट होती है प्रेस्टिज उनको डिफरेंट मिलता है उनको इज़्ज़त डिफरेंट मिलती है और सोशल स्टेटिफिकेसन हम लोग सिंगल फैक्टर को जैसे प्रॉपर्टी रिलेशन तक सीमित नहीं रख सकते हैं ओके जी तो ये जो है अगर हम लोग देखेंगे इनकी डिफिशेंस थी उसके बाद जो है मैंने ने मैंने ने बोला है नॉन कंट्रैक्चुअल स्टेटस सोसाइटी आप ये याद रख सकते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस सोसाइटी जो है वो किन होने बताया है वो बोला है एच जी ने उसने बताया है कि न, कास्ट जो है एक एग्जांपल है नॉन कॉन्ट्रैक्ट यानी स्टेटस होती है सोसाइटी में जो है लोगों का डिफरेंट स्टेटस होता है स्टेटस में सोसाइटी में स्टेटस पाया जाता है लेकिन उस पर कोई कंट्रैक्ट नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं हो सकता है जो है वही रहेगा फिर हो गया मज़ुमदार एंड मौजूमदार ठीक है तो उन्होंने बोला है क्लोज ग्रुप कास्ट जो होता है ये हम लोग बोलेंगे ये क्लोज ग्रुप है यानी क्लोज ग्रुप का मतलब क्या होता है ओपन ग्रुप और क्लोज ग्रुप मैंने आपको या था ओपन ग्रुप होता है जिसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है यानी अगर आप मेहनत करेंगे आप अगर आप कुछ करेंगे दूसरे ग्रुप को फॉलो करेंगे उनके जैसा काम करेंगे या मतलब कुछ करके मेहनत करके पैसे कमा के ज्यादा अमीर बन के या फिर जो है डिफरेंट जो है आ, काम करके टीचर बन के या कुछ आगे आगे करके कहां पहुंचेंगे आप जो है मूवमेंट कर सकते एक स्टेटस ग्रुप से दूसरे स्टेटस ग्रुप तक पहुंच सकते एक क्लास से दूसरे क्लास तक पहुंच सकते जैसे क्लास सिस्टम में होता है लेकिन कास्ट सिस्टम जो होता है क्लोज ग्रुप है यानी इसमें सोशल मोबिलिटी हो ही नहीं सकती है यानी आप कितना भी करो एक शूद्रा जो है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है तो ये थी डेफिनीशन किसकी कास्ट की